Dear students, assalamu alaikum. It is class 7th, subject science. Our today's topic is dynamic living entity. Dynamic living entity means full of life and vitality. तो क्या है मेरे बच्चों, तो क्या है dynamic living entity का मतलब क्या है? तो what is dynamic living entity? तो प्यारे बच्चों, हम इसी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि डायनेमिक लिविंग एंटिटी क्या है। बाय हार्बोरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवर्स। लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवर्स मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ए वैरायटी ऑफ कार्निवर्स। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट्स to generate and grow, decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Therefore, the forest is a dynamic living entity. प्यारे बच्चों, अब आपको समझ आया होगा dynamic living entity क्या है? यानी by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunities for food and habitat for the herbivores. यानी जो herbivores animals होते हैं, इनको opportunities मिलती है, forests इनको opportunity provide करता है, greater opportunities. कौन provide करता है? Forests. Herbivores animals को forests provide करता है greater opportunities for food and habitat. यानी गुजा भी देता है, forests जो herbivores animals होते हैं इनको फॉरेस्ट्स एक फूड भी प्रोवाइड करता है और दूसरा हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है, यानी शेल्टर, यानी इसी में वो रहते भी हैं और इसी में वो खाना गुजर हासिल करते भी हैं। लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवर्स मीन्स इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी फॉर फूड फॉर ए वैरायटी ऑफ कार्निवर्स। इसका मतलब यह है कि लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवर्स यानी ज्यादा तादाद वसी तादाद हर्बीवर्स की जो इनमें जंगलों में पाई जाती है, मीन्स इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर हर्बीवर्स। यानी ज्यादा तादाद अगर हर्बीवर्स को की होंगी इस जंगलों में, जंगलातों में, तो इसका मतलब है अवेलेबिलिटी फूड ऑफ फॉर द वैरायटी ऑफ कार्निवर्स। यानी जितने जानवर हर्बीवर्स होते हैं उतना ही ज्यादा ज्यादा फूड कार्निवर्स हासिल करेंगे, क्योंकि वो इसी पर डिपेंड करते हैं, इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। The wide variety of animals help the forests to generate and grow decomposers. यानी जो wide variety of animals जंगलों में होती है, जो जो मदद करती है forests to generate करने के लिए and grow decomposers, और decomposer को grow करने के लिए Large number of herbivores means increasing availability for food for a variety of carnivores. The wide variety of animals help in the forests to generate and grow. यानी जो wide variety होती है animals की, जो मदद करती है help the forests to generate and grow. यानी generate और grow करने में. Decomposers help in maintaining द सप्लाई ऑफ न्यूट्रेंट्स। यानी जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो सब हेल्प करते हैं द सप्लाई ऑफ न्यूट्रेंट्स टू ग्रोविंग प्लांट्स। यानी ग्रोविंग प्लांट्स जो होंगे इनको सप्लाई करती है न्यूट्रेंट्स, तो तभी ये प्लांट्स ग्रो करते हैं इन द फॉरेस्ट जंगलातों में। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज ए डायनेमिक लिविंग एंटिटी, इसी को हम कहते हैं। तभी तो जंगलातों हम कहते फॉरेस्ट हम कहते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, क्योंकि ये इन्हीं को जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं इनको फूड प्रोवाइड करता है, कार्निवर्स को फूड प्रोवाइड हर्बीवर्स को फूड प्रोवाइड करता है। तो हर्बीवर्स जब ज़्यादा ज़्यादा होंगे जंगलातों में, तो इसका मतलब है कार्निवर्स को खुद ब खुद गुजा हासिल होता है। तो इससे ये तभी तो ये इसी को हम कहते हैं डायनेमिक लिविंग एंटिटी, मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। यानी फुल ऑफ लाइफ एंटिटी, वहाँ पर वो पूरी जिंदगी बसर करते हैं जंगलात में। शुक्रिया, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।